हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुभांजनी भेज फूड। गाइस ये देखिए हमारे घर का बना हुआ सॉफ्ट और स्पंजी पनीर, जिसे हम छेना भी बोलते हैं। हमारी बिहारी भाषा में हम इसे छेना भी बोलते हैं। और ये देखिए गाइस कितना शुद्ध है, इसमें कहीं से कोई मिलावट नहीं है। अगर आप भी ऐसा बनाना चाहते हैं तो देखिए ये हमारा वीडियो पूरा देखिए। ये देखिए गाइस हमने 1.5 लीटर दूध लिया है, 1.5 kg, और इसमें हमने पानी नहीं मिलाया है। थोड़ा भी पानी इसमें आप नहीं डालेंगे, इसमें हमने पानी नहीं मिलाया है। और ये है हमारा छेने का पानी, जो कि पहले से हमने छेना बनाया और उसका जो पानी निकलता है उसको हम किसी बर्तन में सेव करके रख लेते हैं, और ये सालों तक ख़राब नहीं होता है। और ये देखिए गाइस, ये दूध को हमने चूल्हे पर चढ़ा दिया है, इसका एक उबाल आने का वेट करेंगे हम, ज़्यादा नहीं उबालना है। बस देखिए गाइस हमारे दूध में उबाल आ गया है, अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और हार्डली 2 से 3 मिनट के बाद ही थोड़ा सा हल्का, मतलब 2 से 3 मिनट के बाद ही हम इसमें अपना छेने का पानी ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो नींबू या फिटकरी भी डाल सकते हैं इसमें, पर उससे अच्छा सॉफ्ट नहीं बन पाता है जितना कि इस छेने के पानी से बनता है। गाइस ये देखिए धीरे धीरे किनारे किनारे पानी को डालते हुए हल्के हाथों से चलाना है, ज़्यादा फास्ट नहीं चलाना है, नहीं तो ये छेना हमारा घुल जाएगा। ये देखिए साइड साइड से हम पानी डाल रहे हैं और इसको बीच बीच में हल्का सा चलाना है, ऐसे ही धीरे धीरे पानी डालते हुए इसको हल्के हाथों से चला लेना है। और ये देखिए हमारा छेना बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है, और इसका पानी अलग और छेना अलग हो गया है। तब हम इसको एक पतले साफ़ कपड़े को लेकर, आप किसी चुन्नी का या किसी कॉटन दुपट्टे का यूज कर सकते हैं, मतलब जो भी आपके पास सॉफ्ट हो जिसमें कि पानी अच्छे से निकल जाए। तो गाइस ये देखिए हमने अपने चुन्नी के किनारे को धो लिया है और उसको एक दूध लाने वाले केन पे टिका दिया है, जिससे कि उसकी डंडी में दुपट्टे को लपेट ले हम। देखिए उसकी डंडी में दुपट्टे को लपेट लिया हमने और उसी में सारे छेने को पानी के साथ डाल दिया। और ये देखिए हमारा पानी नीचे हो गया और ये देखिए छेना गाइस एकदम ऊपर आ गया। और इसको हम थोड़ा सा टाइटली, मतलब एक गांठी लगाए पर टाइट लगाएं, इसको बांध देना है ताकि इसका पानी अच्छे से निकल सके। और ये देखिए इसको अब हम इसी केन पे टिका के लटका देंगे। इसमें पानी ज़्यादा है तो हल्का सा हम कम कर लेंगे इस पानी को। देखिए हमने थोड़ा सा पानी कम कर लिया और पानी कम करने के बाद नीचे से वजन से ये भारी रहेगा केन, और उसकी डंडी में हमने कपड़े के सहारे इसको लपेट दिया। और ये देखिए धीरे धीरे इसका पानी बूंद बूंद करके उसी बर्तन में टपक जाएगा, और 15 से 20 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद हमने फ्रिज का पानी लिया है, जो कि बहुत ज़्यादा चिल्ड नहीं है पर हाँ ठंडा है, ठंडा पानी ले, फ्रिज का पानी ही हमने लिया है ताकि ये अच्छे से जम जाए, कपड़े में थोड़ा भी ना लगे। गैस ये देखिए अब हम इस गांठ को खोलते हैं और देखिए हमारा घर का बना हुआ पनीर कितना सॉफ्ट और स्पंजी बन के तैयार हुआ है। ये देखिए गाइस, तो ये देखिए गाइस ये हमारा पनीर बन के तैयार हो गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।